बेसिकली हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करेंगे। इट इज लिंक टू यूनिट वन। यूनिट वन में हमने क्या पढ़ा, डिमांड। डिमांड भी क्या था, कंज्यूमर का बिहेवियर तो था कि प्राइस कम करेंगे तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। तो हर एक चीज में कंज्यूमर का बिहेवियर तो स्टडी कर रहे थे, उसी का ही आगे एक्सटेंशन है। अब ये कह सकते हो ये बेस है, इस बेस पे डिमांड डिपेंड्स, ऑन दिस बेस डिमांड डिपेंड्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर में। देखो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमारी चैप्टर वन से चली आ रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बॉन्ड्स है ना वो है अनलिमिटेड, और जो हमारे रिसोर्सेज है ना वो है लिमिटेड। ये प्रॉब्लम हमारी जो है वो टाइम से चली आ रही है। जो हमारी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, हमारी बॉन्ड्स है अनलिमिटेड है, तो हम अपनी सारी बॉन्ड्स पूरी नहीं कर सकते। हमारी बॉन्ड्स कैसी है, हमारी बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, कॉम्पिटिटिव है, इंटेंसिटी डिफरेंट है, कंपेटिबल है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। समझ आ रही है बात के, हमारी बॉन्ड्स बहुत सारी हैं पर रिसोर्सेज में लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज से हम अपनी सारी बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कहते हैं ईच वॉन्ट इज सेटिएबल, ईच वॉन्ट इज सेटिएबल। सेटिएबल मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाई, यानी की जा सकती है, पूरी की जा सकती है, बट सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी कांट सेटिस्फाई आर ईच एंड एवरी वन। की जा सकती है, आप कहोगे मुझे तो ड्रेस भी चाहिए, मुझे मूवी भी जाना है, मुझे पार्टी भी देनी है, और मुझे और भी कुछ है कि पॉकेट मनी भी चाहिए, तो वो सब कुछ पॉसिबल है अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो, है ना। रिसोर्सेज लिमिटेड है, मम्मी ने तो कहा ले भैया 1000 रुपये जो मर्जी करो, अब चाहे पार्टी करो, चाहे ड्रेस खरीदो, चाहे मूवी जाओ, चाहे जो मर्जी करो, तो आप क्या करोगे, आप सीधा वो बॉन्ड सेटिस्फाई करोगे जिससे आपको बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर मिल रही है। ठीक है, अब मैं आपको 1000 रुपये दे के कहूँ जाओ स्टेशनरी की दुकान से सामान ले आओ, तो आप वही सामान लोगे ना जो आपके काम का है। आप ये मार्केट तो परचेज नहीं करोगे ना, आप इसका प्राइस भी नहीं पूछोगे कि कितने का, क्योंकि आपको लेना ही नहीं, इससे आपकी बॉन्ड ही नहीं सेटिस्फाई हो रही, आपके किसी काम का नहीं है मार्केट। आप सिर्फ वो चीज देखोगे जिससे आपकी बॉन्ड सेटिस्फाई होगी, रजिस्टर ले लोगे, पेन ले लोगे, पेंसिल ले लोगे, इरेजर ले लोगे, है ना, ये चीजें आप लोगे जिससे आपकी बॉन्ड सेटिस्फाई होगी। तो हम अपने रिसोर्सेज को उन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने में खर्च करेंगे जिनसे हमारी बॉन्ड सेटिस्फाई होगी, या जिन प्रोडक्ट से हमें बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर मिलेगी, मतलब जिन प्रोडक्ट्स में बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे टू बाय दोज गुड्स एंड सर्विसेज हू हैव बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर, बॉन्ड सेटिस्फाइंग, यानी जिनमें बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर होगी, हम इन पैसों को उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में लगाएंगे, राइट। बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर मीन्स What does utility mean? Utility means want satisfying power. ठीक है, तो जिन चीजों से मेरी want satisfy होगी, मैं सिर्फ वो goods और services खरीदूंगी, राइट। अब हम देखते हैं utility is, utility is equal to satisfaction. Utility is equal to usefulness. Utility is equal to pleasure. ये मेरा question है, ये मेरा question है कि whether the utility is equal to satisfaction or not, whether the utility is equal to usefulness or not, whether the utility is equal to pleasure or not. बताओ, the utility is equal to satisfaction? Is utility equal to satisfaction? अब मेरे को, मैंने स्टेशनरी में जाके पेन परचेज कर लिया, रजिस्टर परचेज कर लिया, क्योंकि उसमें आपकी वॉन्ट को सेटिस्फाई करने की पावर थी, यानी वो चीज आपके काम की, आपने ले ली, आपको यूटिलिटी मिली। अभी आपने
5 महीने हो गए रजिस्टर ऐसे ही करो, यूज ही नहीं किया। बिना यूज किए आप कह रहे हो मैं सेटिस्फाई हो गई, यूज कहाँ किया आपने? ऐसी पानी की बॉटल है, मैंने खरीदी, क्यों खरीदी? क्योंकि इससे मेरी बॉन्ड सेटिस्फाई हो सकती है, पर क्या उसको देखने से, उसको खरीदने से मेरी बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाएगी? क्या बॉटल को देखने से मेरी प्यास बुझ जाएगी? पीऊंगी ना मैं, जब भी तो प्यास बुझेगी। बस आपने तो चीज यही सोच के खरीदी ना कि ये मेरी बॉन्ड को सेटिस्फाई कर देगी, मैं ले लेती हूँ। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी इज इक्वल टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन। इट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल सेटिस्फेक्शन। एक्चुअल सेटिस्फेक्शन तो जब मिलेगी, जब मैं उसको कंज्यूम करूंगी, जब मैं पानी को पीऊंगी। समझ आ रही है बात? एक्चुअल सेटिस्फेक्शन डिराइव जब होगी, जब मैं पानी पीऊंगी, जब मैं पेन यूज करूंगी। मान लो मैंने पेन यूज किया, खराब निकला, चल नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा, स्मूथ नहीं है ना, पर मैंने तो उसकी यूटिलिटी क्रिएट कर दी ना, पैसे दे दिए ना। मैं हर उस चीज के पैसे दूंगी, हर उस चीज को बाय करूंगी जिसमें यूटिलिटी होगी। ठीक है, मैंने तो डिमांड क्रिएट कर दी, मैंने तो चीज खरीदी, मैं तो पैसे देने को तैयार थी, और मैंने पैसे देके मैं चीज भी ले आई, बट मैंने यूज तो नहीं करी ना। तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल सेटिस्फेक्शन, इट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल सेटिस्फेक्शन, इट इज इक्वल टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन। मैं कोई भी चीज अगर खरीद रही हूँ तो मैं ये सोच कर, एंटीसिपेट करके खरीदती हूँ कि इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। समझ आ रही है बात? एक्चुअल सेटिस्फेक्शन आपको जब मिलेगी, जब आप उसको कंज्यूम करोगे, और कंज्यूम करने के बाद हो सकता है वो चीज अच्छी ना लगे, पहन अच्छा ना लगे, पानी अच्छा ना लगे, हो सकता है। समझ आ रही है बात? तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी इज इक्वल टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन। राइट नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, वेदर यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस। क्या सिर्फ वही चीज यूटिलिटी देती है जो आपके काम की हो, आपके लिए यूजफुल हो? क्या सिर्फ उसी से यूटिलिटी मिलेगी जो चीज आपके लिए यूजफुल है? यस और नो? मैं कह रही हूँ जो चीज आपके लिए यूजफुल है सिर्फ उन्हीं चीजों में यूटिलिटी हो। यस और नो? नो। इवन द हार्मफुल थिंग्स हैव यूटिलिटी ना। क्यों खरीद रहे लोग लिकर? क्यों खरीद रहे लोग सिगरेट्स, टबैको, ड्रग्स? क्यों खरीद रहे? उससे उनकी यूटिलिटी, उससे उनकी बॉन्ड सेटिस्फाई होती है ना, तभी तो उसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। बट क्या वो चीजें उनके लिए यूजफुल है? नहीं, वो चीजें उनके लिए हार्मफुल है, बट स्टिल। ठीक है, तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। इवन हार्मफुल थिंग्स हैव ऑल्सो यूटिलिटी। इवन हार्मफुल थिंग्स हैव ऑल्सो यूटिलिटी, देयरफॉर वी कैन से यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल? गाड़ी न्यूट्रल में होती है, चलती नहीं ना, स्टार्ट रहती है ना? तो ये कहता है यूटिलिटी न्यूट्रल है। आई डोंट केयर व्हाट इज यूजफुल, व्हाट इज हार्मफुल, आई डोंट, मुझे कोई फर्क नहीं। अगर कोई चीज आपकी बॉन्ड को सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स दैट वुड हैव यूटिलिटी, इवन इट इज हार्मफुल। तो यूटिलिटी कंसेप्ट इज न्यूट्रल। यूटिलिटी कंसेप्ट हार्मफुल यूजफुल को देख के नहीं बनाया गया है। समझ आ रही है बात? क्या यूटिलिटी इज इक्वल टू प्लेजर? क्या सिर्फ वही चीजें आपको यूटिलिटी देंगी जिन चीजों को लेके आपको खुशी मिलती है? क्या सिर्फ उन्हीं चीजों में यूटिलिटी है जिनसे आपको खुशी मिलती है? यस और नो? सुनने में सब कुछ यस लग रहा है, बट मैडम आगे नो कर देती है उसको। तो क्या यूटिलिटी सिर्फ उन चीजों में है जो आपको खुशी देती है? नहीं तो एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, ऐसी कोई चीज जो आपको खुशी नहीं देती?
अगल बगल, आपने तो यस बोला है, आपने तो बोला है। बताओ ऐसी चीजें बताओ ना जो यूटिलिटी तो है पर आपको खुशी नहीं देती फिर भी लेनी पड़ती है। अच्छा रब्बा, पढ़ाई इतनी बुरी लगती है। हाँ मेडिसिन, एग्जाम्पल मेडिसिन, मेडिसिन खाना किसको पसंद है? किसी को भी नहीं पसंद, कड़वी होती है एकदम। और इंजेक्शन लगवाने, तो कोविड की वैक्सीनेशन ली जिन्होंने, वैक्सीनेशन के जो इंजेक्शन लगवाए वो किसी ने खुशी खुशी लगाई? किसी ने भी खुशी खुशी नहीं लगवाए, वो तो सिर्फ अपने आप की अपनी जिंदगी बचाने के लिए लगवाए। दवाई किस लिए खाई जाती है? कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से, मेरी जिंदगी बच जाए, है ना। लोग ऑपरेट करवाते हैं, तो कुछ करवाते हैं अपनी बॉडी में, कितनी प्रॉब्लम्स लेते हैं, तो किस लिए लेते हैं? उनसे उन्हें खुशी थोड़ी ना मिलती है, बट उनसे यूटिलिटी तो है ना। क्यों आप मेडिसिन पे पैसा खर्च कर रहे हो? क्योंकि वो मेडिसिन आपकी वॉन्ट सेटिस्फाई कर सकती है, और आपकी वॉन्ट क्या है? मुझे ठीक हो। बट क्या वो दवाई मैं खुशी खुशी खा रही हूँ? मैं तो मजबूरी में खा रही हूँ। समझ आ रही है बात? तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्लेजर। यूटिलिटी सिर्फ उन चीजों से नहीं मिलती जिनसे खुशी मिलती है। इवन वो चीजें जो हमें खुशी नहीं देती है, हमें जबरदस्ती खानी पड़ती है, उनसे भी यूटिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो आप लोगों को नहीं पसंद, फिर भी मम्मी बनाती है, आपको कहती है खाओ, अब तो मुझे नहीं खानी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, आपने इतनी गंदी सब्जी बनाई है, मुझको नहीं पसंद, तो मम्मी क्या बोलती है? निकलो फिर घर से बाहर, यहाँ रहना है तो यही खाना है जो मन के लिए। अलग अलग थोड़ी ना बनेगा, अभी तुम कहो ये बनाओ, वो कहीं ये बनाओ, वो कहीं ये बनाओ, ना बनेगा, ये बने सबने खाने, और जिसने नहीं खाना वो बाहर का सब बच्चा खुला। जो मैं तो सीधा यही बोलती हूँ, मैं सिर्फ एक करेले को लेके अपने बेटे को एक्सक्यूज करती हूँ बस, और किसी चीज को लेके नहीं करती। नहीं खाना है निकल यहाँ से, अपने को रखना ही नहीं, जो बनेगा वही खाना है ना। स्पेशल स्पेशल थोड़ी कि तुम कभी रोजी भिंडी बनाए रखो, वो थोड़ी ना होगा पॉसिबल। ठीक है, तो वो सब्जियां घिया टिंडे तोरी जो किसी को पसंद नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग है। तो यूटिलिटी जो है वो उन चीजों से मिलती, उन चीजों से भी मिलती है इवन जो आपको खुशी नहीं देते। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सब्जी का, तो मम्मी सब्जी बना रही है तो सब्जी आपके लिए फायदेमंद है ना, सब्जी आपके लिए अच्छी है। अगर ग्रीन वेजिटेबल बना रही है तो आपकी आईज के लिए अच्छी है, हेल्दी है, नरिशिंग फूड है ना। और आप क्या कर रहे हो? जबरदस्ती खा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वो आपकी भूख भी मिटाएगी और प्लस आपकी बॉडी को एनर्जी भी देगी। समझ आ रही है बात? तो यूटिलिटी सिर्फ उन चीजों में नहीं होती जिनसे खुशी मिलती है, इवन यूटिलिटी उन चीजों में भी होती है जिनसे खुशी नहीं मिलती पर वांट सेटिस्फाई होती। कॉपी करना है? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कितने तरह की होती हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, कराया था ना ये? क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स आर ऑफ थ्री टाइप, जैसे थ्री नेसेसिटीज कह लो, कंफर्ट्स एंड लग्जरी, कंफर्ट्स एंड लग्जरी, ठीक है। नेसेसिटी के अंदर तो अगर तीन क्लासिफिकेशन है, एसेंशियल फॉर लिविंग, एसेंशियल फॉर लिविंग और एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस, एसेंशियल फॉर एफिशिएंसी, कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड, एसेंशियल फॉर लिविंग की जगह हम थे एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस की बोलते हैं, एक ही बात, फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर एफिशिएंसी और दीज आर कन्वेंशनल मेथड। वही नेसेसिटीज है जो हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ी थी, जिसे हम कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज बोलते थे, ठीक है। अब फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब जो हमारी नेसेसिटी की डेफिनेशन
पुराने जमाने से चली आ रही है। पुराने जमाने में हम बोलते थे जिंदा रहने के लिए इंसान को सिर्फ तीन चीजें चाहिए, एटिकेट, वो ज्यादा नहीं, एटिकेट, इतना इतना कि हम जिंदा रह सकते, एटिकेट, क्लोथिंग। अब आजकल तो पार्टिकुलर ड्रेस चलती है ना, ओकेजनल ड्रेस चलती है, अगर कहीं पे पार्टी का थीम हो तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेस चलती है। पहले टाइम पे वो थोड़ी ना होता था, पहले टाइम पे सिंपल नॉर्मल कुर्ता पजामा, नॉर्मल कुर्ता पजामा ही चलता था सबका। अब हो गई पैंट शर्ट कोट पैंट जीन्स का तो अच्छी तरह कुछ हो गया। तो एडिकेट फूड, एडिकेट क्लोथिंग और एडिकेट हाउस, ठीक है, लाइक फूड हाउस भी चल जाएगा, कचप्पा मकान भी चल जाएगा, इटो इटो मकान नहीं, सीमेंट वगैरह। पर आजकल के टाइम में क्या है, टाइल्स पानी या छेची पत्थर डलवाना है कुछ पे बढ़िया सा, है ना, तो वो अच्छे लेवल की हाउसिंग होगी। तो ये क्या था, एडिकेट फूड, एडिकेट क्लोथिंग, एडिकेट शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ आर लाइफ विच इज एसेंशियल फॉर लिविंग, विच इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ठीक है। नाउ वी कम टू, अब पहले नेसेसिटी मीन्स दिस होगी, अब नेसेसिटी मीन्स दिस, तो नेसेसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई है, ब्रॉड हो गई है। पहले सिर्फ इतनी सी चीज को नेसेसिटी, यही चीज जरूरत कहलाती थी, अब ये सारी चीज जरूरत कहलाती है। तो व्हाट इज नेसेसिटीज फॉर एफिशिएंसी, मींस फॉर एफिशिएंट लिविंग, अच्छा जीना है, अच्छे तरीके से जीने, फॉर लॉन्गेविटी, कि मुझे जो लाइफ है ना, देखो पैसा ना था, पुराने जमाने के लोग भी बहुत लंबा टाइम जी के जाते, और उसमें बुढ़ापे में भी काफी अच्छी हेल्थ रहती, क्योंकि वो जो खाते थे वो अच्छा ही होता था, घी तो ये सब खाते थे, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि अब जो है बहुत सी चीजों में मिलावट आई शुरू है, ग्लूटियस भी नहीं है, ग्लूटियस भी नहीं है, तो अब क्या है कि साथ में आपको सब कुछ चाहिए, अब आपको सब कुछ चाहिए, अच्छा खाना, नरिशिंग फूड, अच्छे कपड़े, क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना है, निकलना है बाहर, जो ना आपको कह के चेंज करते रहना है ना, अच्छा घर, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि आप एफिशिएंटली, आप ज्यादा अच्छे से काम कर सको, आप एक्टिवली काम कर सको, आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप उठ के बैठ बैठ के पढ़ाई करोगे आपसे पढ़ाई नहीं होगी, आप खाना खा के पढ़ाई करोगे, आप हर टाइम खाना ही थोड़ा ना खाओगे, कभी आप ब्रेकफास्ट करोगे लाइक मिल्क लोगे, है ना, कभी आप लंच करोगे प्रॉपर चपाती राइस वगैरह सब कुछ लोगे, वेजिटेबल्स लोगे, सैलेड लोगे, फिर किसी टाइम आप फ्रूट्स लोगे, है ना, तो वो एक शेड्यूल होता है डे का, कि उससे क्या है कि आपका एनर्जी भी बनी रहती है, और आपने सारी चीजें खाई, वेजिटेबल्स भी खाए, कैल्शियम भी लिया, विटामिन भी लिए, मिनरल्स भी लिए, राइट। तो बेसिकली एग्जाम्पल इज नरिशिंग फूड, ठीक है। अब पहले के जमाने के लोग पढ़े लिखे थोड़ी ना होते थे, आज की एजुकेशन, एजुकेशन नेसेसिटी है कि नहीं है, एजुकेशन नेसेसिटी है, नाउ एजुकेशन हैज बिकम नेसेसिटी कि नहीं। अब आप जितना अच्छा पढ़ोगे लिखोगे उतना ही आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, उतना ही आप अच्छे से सेटल होगे, अच्छी कंपनी में सेटल होगे, अच्छी पोस्ट पे सेटल होगे, या आपका बिजनेस अच्छा होगा, है ना, समझ आ रही है बात। तो नाउ एजुकेशन, और अगर मैं बात करूँ मेडिसिन वगैरह की, मेडिसिन की बात करेंगे, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, कि आप जो है, यानी कि अगर मैं बात करूँ हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी, तो वो भी क्या है, एफिशिएंट लिविंग के लिए, क्या अगर आप अच्छे से अच्छी चीजें यूज कर रहे हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का मतलब है हर्बल चीजें यूज कर रहे हो, तो उससे आपकी बॉडी, हेयर, आईज वगैरह सब क्या रहेंगी, सही रहेंगी, है ना। तो फॉर लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी मतलब लंबा जीना, अच्छा जीना, हेल्थी लाइफ, लाइफ में आपकी ये जो मैंने बात किया, आप एक्टिवली चल पा रहे हो, एक्टिवली काम कर पा रहे हो, तो ऐसी लाइफ के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है वो इसके अंदर कवर हो, दीज आर कॉल्ड नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी, एफिशिएंट लिविंग, अच्छा जीना, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल नेसेसरी, दैट कॉन्स्पिशियस नेसेसरी, यानी ये चीजें जरूरत नहीं थी बट ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस यूसेज और ड्यू टू योर सोसाइटी ये चीजें जरूरत बन गई, एग्जाम्पल फोन और बी व्हीकल में जरूरी नहीं है, अच्छी गाड़ी की बात करें या टू व्हीलर या साइकिल की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ जो है बड़ी कार्डबोर्ड वाली होगी, तो उन्हें बड़ा बड़ा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है, तो वहां पे वो बंदा पैदल नहीं चल के जा सकता, मुझे व्हीकल चाहिए चाहिए,
फोन है आजकल, फोन से ही पढ़ाई है, फोन से ही घूम रहा है सब कुछ, फोन में ही। तो फोन भी आजकल नेसेसिटी बन चुकी है, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज है जो पहले नेसेसिटी नहीं थी, बट ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस यूसेज इट बिकम्स। तो अब नेसेसिटी की जो डेफिनेशन है वो ब्रॉड हो गई, राइट। एजुकेशन कवर हो गया इसके अंदर, ठीक है। कंफर्ट मीन्स दो थिंग्स व्हिच मेक्स योर लाइफ कंफर्टेबल, व्हिच मेक्स योर लाइफ कंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल लेबर सेविंग इक्विपमेंट। अब लेबर सेविंग इक्विपमेंट का क्या मतलब है? मशीनें। लेबर सेविंग इक्विपमेंट का मतलब क्या है? मशीनें, ऐसी मशीन जिसमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ती। लेबर की तो सिंगल सेंस, मेरे को खुद लग के भी काम नहीं करना पड़ेगा ना, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है मेरे घर पे, तो मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते, मैं डाल के आ जाती हूँ, धुल के रिंस होके स्पिन होके सीधा मुझे मिलते हैं, है ना। ये तो पहले क्या होता था, पहले तो सबसे पहले तो लोग हाथ पे ही धोते थे। फिर सेमी ऑटोमेटिक आई जिसमें सिर्फ वॉश होता था, सेमी भी नहीं सिर्फ वॉश वाली आई। फिर सेमी आई, वॉश खुद करना है, रिंस खुद करना है, ड्रायर होता था। अब फुली आ गई, अब बंदे को कुछ भी नहीं करना, कपड़े डाल के छोड़ दो और आप जब काम धूम करके अपने आओगे तब तक आपको कपड़े सूखे मिलेगा, ड्रायर होते नहीं, राइट। समझ आ रही है बात? तो लेबर सेविंग इक्विपमेंट, तो लेबर सेव हो गया, आपकी लाइफ क्या होगी? कंफर्टेबल होगी ना, आपके बैठे बताए कपड़े धुल के आ गए, जबकि सबसे सबसे बड़ा एडिक्ट का काम कपड़े धोने का ही है। समझ आ रही है बात? तो लेबर सेविंग इक्विपमेंट, अब जैसे मैंने यहाँ व्हीकल डाला, व्हीकल का फिर यहाँ टू व्हीलर आ गया, फिर यहाँ गाड़ी आ गई। अब व्हीकल भी वही काम कर रहा है, एक जगह दूसरी जगह पहुंचा रहा है, गाड़ी भी वही कर रही है, पर गाड़ी जो है वो कंफर्टेबल, आराम से बैठ के जा रहे हो, थक नहीं रहे हो, बारिश नहीं लग रही, धूप नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही, तो लाइफ क्या होगी आपकी? कंफर्टेबल होगी। फोन है, नॉर्मल फोन भी काम करता है, बट एंड्रॉइड आ गए, एंड्रॉइड में ज्यादा फीचर्स आ गए, है ना। समझ आ रही है बात? अब अगर मैं बात करूँ लग्जरी की, तो लग्जरीज आर दोस थिंग्स विच आर सुपरफ्लूएस, सुपरफ्लूएस एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, आपने शौक भी बोल सकते हो, है ना। अगर मैं इसके एग्जाम्पल लगाऊं तो बिग कार, लग्जरी कार तो कोई काम करती है, कार में तो बैठ के गाड़ी चला के इधर से उधर जाना है, तो छोटी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वहां जो है दिखावा नहीं था, महंगी नहीं थी, ये महंगी है, दिखावा है। लग्जरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा फोन, आईफोन है, समझ रहे बात? काम तो एंड्रॉइड भी कर रहा है, काम तो वोडाफोन भी कर रहा है, पर कीपैड आईफोन से एंड्रॉइड फोन ज्यादा कंफर्टेबल है। कीपैड वाले फोन में उतनी फीचर्स नहीं आ रहे, मुझे यूट्यूब पर अपनी कोई पढ़ाई देखनी हो नहीं देख सकती मैं, है ना। वो चीज मैं एंड्रॉइड में कर सकती हूँ, बट उसमें आईफोन में क्या है? दिखावा, बड़ी, बड़ा, है ना। समझो, तो लग्जीरियस थिंग्स आर दोस थिंग्स विच आर सुपरफ्लूएस एंड एक्सपेंसिव। तो बेसिकली कंफर्ट एंड लग्जरी आर नीदर नेसेसरीज फॉर एग्जिस्टेंस नॉर नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी एंड या फिर आप ये भी कह सकते हो कन्वेंशनल नेसेसरीज आर नीदर फॉर एग्जिस्टेंस नॉर फॉर एफिशिएंसी, यानी ये वो नेसेसिटीज हैं। ठीक है, क्लियर है सिस्टम? नेसेसरीज, कंफर्ट, लग्जरी। नेसेसरीज तीन तरह की होती है, एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस, एफिशिएंसी, कन्वेंशनल नेसेसरीज। तो कन्वेंशनल नेसेसरीज आर नीदर फॉर एग्जिस्टेंस नॉर फॉर एफिशिएंसी, यानी ये चीजें ऐसी नहीं है जिनके बगैर आप ना तो जिंदा रह सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है, है ना, कि मैं फोन बगैर जी नहीं सकती, मैं व्हीकल बगैर जी नहीं सकती, तो ऐसा नहीं है कि फोन और व्हीकल जो है वो मेरी एसेंशियल फॉर लाइफ है, इनके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती, और ना ही नीड आर फॉर एफिशिएंसी। ऐसा नहीं है कि फोन नहीं होगा तो मैं एक्टिवली काम नहीं करूंगी, भाग दौड़ नहीं कर सकती, सारा टाइम एक्टिव नहीं रह सकती, एनर्जेटिक नहीं रह सकती, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज के बच्चों का बुरा हाल है, फोन ले लो तो मुझे शायद कर जाते हैं, सबसे ले सकते हैं, क्या आया होगा। ठीक है, चल सकते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज
एक्सटेंसिव यूटिलिटी, यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन, ठीक है, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी कि उन चीजों में यूटिलिटी है जो आपकी वांट सेटिस्फाई करने की पावर रखती हैं, तो यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन। तो यूटिलिटी बेसिकली दो तरीके की है, यानी यूटिलिटी के कंसेप्ट को दो लोगों ने समझाया है। एक है मार्शल, मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस देके यूटिलिटी समझाई है। एक है हिक्स एंड एलन सर ने आईसी कर्व देके, आईसी इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस देके आपको यूटिलिटी समझाई है। एल्फ्रेड मार्शल ने आपको दिया ये और ये आपको हिक्स एंड एलन, ठीक है जी। ये आपकी कार्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल मीन्स व्हाट? कार्डिनल मीन्स एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, कार्डिनल मीन्स एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। अगर किसी भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं तो उसको हम कार्डिनल बोलते हैं। एनीथिंग विच इज नॉट कार्डिनल इज ऑर्डिनल। यहाँ पे तो ऑर्डिनल मीन्स व्हाट? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, ऑर्डर रैंकिंग ऑर्डर। देखो ऑर्डर से बना है ऑर्डिनल, ऑर्डर ऑर्डर से बना है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल मीन्स कि आप अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्रेफरेंसेस को क्या कर रहे हो? ऑर्डर दे रहे हो। ऑर्डर मीन्स रैंकिंग कर रहे हो कि मुझे पहले नंबर पे ये चीज पसंद है, दूसरे नंबर पे ये चीज पसंद है, तीसरे नंबर पे ये चीज पसंद है। तो जब आप रैंकिंग में बात करते हो तो वो हो गई आपकी ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंसेस। और जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको तो बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द क्वांटिटेटिव अप्रोच, दोनों में से कौन सी क्वांटिटेटिव अप्रोच है? कार्डिनल ऑब्वियसली बात है, मतलब तो जिसे मैं मेजर कर सकती हूँ। और कौन सी मेरी क्वालिटेटिव अप्रोच है? ऑर्डिनल इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच, और मार्जिनल यूटिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब देखो ये क्या बोलता है, मार्शल क्या बोलते हैं? मार्शल बोलते हैं कि आप अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो नंबर्स, ठीक है, और वो नंबर को क्या बोला जा रहा है? यूटिल्स। बेसिकली यूटिल आर द हाइपोथेटिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूटिल नाम का कोई मेजरमेंट ही नहीं होता। यूटिल से कोई को पता है जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, किसी को नहीं पता। केजी, किलोमीटर, ये सारे आपके स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे ही पता है कि कौन सी चीज किलो में मिल रही है, कौन सी चीज मीटर में मिल रही है। अगर वो कपड़ा लेने जाएगा तो सेंटीमीटर मीटर में रेट पूछेगा कि कितने रुपए मीटर दिया कपड़ा। अगर वो चीनी वगैरह लेने जाएगा तो पूछेगा कितने रुपए किलो दी चीनी। सब्जी वब्जी लेने जाएगा तो कितने रुपए किलो सब्जी दी। दूध लेने जाएगा तो कितने रुपए लीटर दूध दिया। समझ लो, तो वो चीज सबको पता है, यूनिवर्सल है, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स है। पर यूटिल्स आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट, यूटिल्स आर हाइपोथेटिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जस्ट टू मेजर यूटिलिटी ओनली। सिर्फ यूटिलिटी मेजर करने के लिए टर्म बना दी गई यूटिल्स, ठीक है। तो आप अपनी यूटिलिटी को जब नंबर्स दे रहे हो, क्या हाँ मुझे खाली की 10 यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिली, ये 10 की सेटिस्फेक्शन मिली, तो मैं 10 क्या बोलूंगी? 10 यूटिल्स, राइट। कहने को कोई कह देगा जी पानी को पी के ना, तो 50 की सेटिस्फेक्शन मिली, 50 यूटिल्स। तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है ना इसका। तो मैं कैसे कह दूं तो उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली उसको कम मिली? ये उसका बोलने का तरीका अलग है, उसका बोलने का तरीका अलग है। क्या मतलब 100 में से रैंकिंग देता हो, 10 में से देता हो, है ना? तो ये तो कोई मेजरमेंट करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, ये ज्यादा हाइपोथेटिकल। तो क्या ये अप्रोच रियल अप्रोच है? ये रियल अप्रोच नहीं है, ये हाइपोथेटिकल अप्रोच है। ये कहता है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हो, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे सबसे पहले मुझे अपनी फेवरेट चीज खानी है, लाइक आपकी फेवरेट चीज है पिज्जा, तो आप सबसे पहले पिज्जा के काउंटर पे जाके पिज्जा खाते हो। बट आप कभी भी बता सकते हैं कि पहली बार पिज्जा खा के आपको कितनी खुशी मिली? कितनी कितनी नहीं बता सकते। कभी ये बता सकते हो कि हाँ खुशी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा पिज्जा, मजा आ गया था, ऐसे बोल सकते हो। ऐसा थोड़ी मुझे कुछ पिज्जा खा के मुझे 20 रुपये की यूटिलिटी मिली। समझ रहे बात को? तो दिस इज नॉट अ रियल अप्रोच, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच, दिस इज अ हाइपोथेटिकल अप्रोच, दिस इज अ मोर प्रैक्टिकल एंड रियल अप्रोच, ऐसे हम बोलते हैं सेंस में। तो दिस इज क्वांटिटेटिव अप्रोच,
क्योंकि यहाँ पे हम अपनी जो है यूटिलिटी को क्वांटिटेटिवली मेजर कर रहे हैं, यहाँ हम मेजर नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच। तो दिस इज हाइपोथेटिकल। देखो इसकी अनाउंसमेंट इतनी सारी होगी, दुनिया भर की होगी, जब जाके इसका कंसेप्ट बनेगा कि ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, तब आपका कंसेप्ट बनेगा कि यूटिलिटी ग्रोथ और डिमिशन। तो बहुत सारी चीजें मानोगे और जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी अनाउंसमेंट लोगे। ठीक है, तो दिस इज नॉट रियल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। इसकी सारी अजम्पशंस भी प्रैक्टिकल लगेंगी आपको, इंडिफरेंस करके जितनी भी अजम्पशंस हैं वो सारी रियल और प्रैक्टिकल है, बट इसके अजम्पशंस भी ऐसी होंगी जो आप कहोगे यार ये पॉसिबल ही नहीं है, बस इमेजिन कर लो। क्या बोलेगा? बस इमेजिन कर लो ऐसा है, बस अज्यूम कर लो ऐसा है, तो सारी इमेजिनरी सिचुएशन। राइट, चल सकते हैं आगे, क्लियर है? अब आते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को डिटेल में पढ़ रहे हैं। नाउ वी कम टू मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी अजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है जी, देखो आपकी बुक में अजम्पशन जो है वो एक साथ दी होगी, हम उसको ब्रेकअप कर देंगे। कुछ अजम्पशन हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की पढ़ेंगे, यानी कि एल्बर्ट मार्शल जी ने क्या सोच के ये कंसेप्ट लाए, फिर जब उन्होंने लॉ बनाया तो लॉ क्या बोलता है कि जो यूटिलिटी है वो गिरती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरती है, ये लॉ। जैसे जैसे आज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन, मार्जिनल यूनिट फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, है ना? तो ये लॉ बना है, तो इस लॉ के क्या अजम्पशंस है, तो यहाँ पे हम अजम्पशंस तोड़ देते हैं। अगर आपको सारी एक साथ पढ़नी है तो फिर पहले थोड़ा सा लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है, या फिर ब्रेकअप करके पढ़ लेंगे, पढ़नी तो अजम्पशन ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अजम्पशन जो पूरे इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगी, क्या? रैशनल बिहेवियर। सबसे पूरे इकोनॉमिक्स में चाहे मैं डिमांड पढ़ रही हूँ, चाहे मैं सप्लाई पढ़ रही हूँ, चाहे मैं मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रही हूँ, कुछ भी मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि सामने वाला जो कर रहा है ये सब तो चीजें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन, या आप लोग जो पढ़ रहे हो, आप सब लोग जो है वो रैशनल, यू ऑल आर रैशनल पर्सन। रैशनल मीन्स व्हाट? रैशनल मीन्स वो इंसान जिसको ये फर्क है कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है, छोटे बच्चों को आप समझदारी की उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो रैशनल कंज्यूमर नहीं होते। अनसाउंड माइंड, जिस बंदे का थोड़ा सा मेंटल लेवल जो है स्ट्रेस दिया हुआ है, वो अनसाउंड माइंड है, अगर कोई लुनेटिक है अगर कोई, तो क्या आप उसको समझदारी वाले डिसीजन की उम्मीद रखोगे? क्या अगर आपको कोई मान लो कोई राय लेनी है, क्या आप ऐसे पर्सन के पास जाके राय लोगे, बच्चे से जाके राय लोगे, बता बता मैं सीए करूँ? तो ही इज नॉट अ रैशनल ना, क्यों पूछोगे आप? किसी रैशनल इंसान से ही जाके राय लोगे ना, लुनेटिक से जाके पूछोगे, अनसाउंड माइंड से जाके, मेंटल असाइलम में जाके, आगरा जाके पूछोगे मैं क्या कर लूँ आगे? फिर तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि द कंज्यूमर शुड बी रैशनल। रैशनल मींस ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ही इज कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और बेसिकली देखो सीधी सी बात है, आप लोग सब क्या चाहते हो? अपना भला। ऑब्वियस सी बात है कि मैं जो काम करूं मेरे को उससे खुशी मिली, मैं वही चीज करूंगी जिससे मुझे खुशी मिले, क्यों नहीं? राइट, तो कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे को जो चाहिए वो मिले। ही ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। तो रैशनल पर्सन वो पर्सन होगा जो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी। क्लियर? ठीक है, सेकेंड अजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी की सेकेंड अजम्पशन, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। देखो हमने कहा ना कार्डिनल अप्रोच है, हमने क्या कहा? एक कार्डिनल अप्रोच है। अब रियलिटी में क्या आप इसे मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। पर मार्शल जी क्या कहते हैं? एज्यूम कर लो इसको मेजर कर सकते हैं,
एज्यूम कर लो कि आप यूटिलिटी को यूजेस में मेजर कर सकते हो। मान लो, तो मान लो वाली बात आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स दैट इज कॉल्ड यूजेस, नंबर्स दैट इज यूजेस। ठीक है, तो आप यह मान के चल रहे हो कि यूटिलिटी मेजर की जा सकती है नंबर्स में, जिन्हें हम क्या कहते हैं यू। तो यह हम मान रहे हैं, ऐसा रियलिटी में प्रैक्टिकल होता नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यूटिल तो वैसे भी हाइपोथेटिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यूटिल नाम की चीज तो सिर्फ उन्हें पता है जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बाकी किसी को यूटिल नाम का मतलब नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट इज मनी इज द मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी। अब ये क्या कह रहे हैं, मनी इज द मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी। अब देखो सीधी सी बात है, आप किसी भी शॉप पे जाते हो, आपको कुछ चीज पसंद आती है, आप उससे पैसे पूछते हो ना, और आपके माइंड में भी कुछ चल रहा होता है ना। देखो अगर आप कोई चीज, मान लो आप जेब में मान लो 50 रुपए लेके गए किसी स्टेशनरी की शॉप में, आपको एक पेन बड़ा अच्छा लगा, आपने उसका प्राइस पूछा, क्यों पूछा, आपने ये सोच के पूछा कि यार ये 50 रुपए तक का होगा तो मैं ले लूंगी, क्योंकि आपकी जेब में 50 रुपए थे। तो सामने वाले ने क्या कहा, जी 40 रुपए दो मुझे पेन। समझ आ रही है बात, क्लियर हो रही है? यानी कि आपने अपनी यूटिलिटी को मनी टर्म्स में मेजर किया ना कि 50 तक का होगा तो मैं ले लूंगा, अगर वो बोलता है ये पेन 80 रुपए का है, आप क्या कहते मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी थी 40-50 रुपए तक का होगा ले लूंगा। समझ आ रही है बात, और आप उसके लिए पैसे देने को तैयार थे, और जो 40-50 बोल रहे हो वो यूटिल नहीं है, वो रुपए हैं, राइट, वो रुपए हैं। तो आप अपनी यूटिलिटी को किस में मेजर कर रहे हो, मनी में। यूटिल्स में तो वैसे बता रहे हो मुझे इस चीज को लेके 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली, 20 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली, बट एक्चुअली आपके माइंड में एक मनी भी चल रही होगी ना कि ये बॉटल लेने से मुझे 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, तो मैं इस बॉटल के लिए ना 20 रुपए तक दे सकती हूँ। तो अगर वो 20 बोलेगा, आप 15 बोलेगा, आप दे दोगे, 20 से ज्यादा बोलेगा, बोलेगा आप बोलोगे नहीं चाहिए, राइट। तो आप अपनी यूटिलिटी को मनी टर्म्स में मेजर कर रहे हो। अब देखो कहते हैं, अब क्या कह रहे हैं मार्शल जी, क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी की स्पेलिंग सही है, नहीं तो ऐसे लिखते मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मार्शल सर क्या कह रहे हैं, मार्शल सर कह रहे हैं मान के चलो कि मनी सबके लिए गया, मान के चलो, क्या मेरे लिए 1 करोड़ रुपए की कीमत अंबानी के 1 करोड़ की कीमत के बराबर है? हमारा 1 करोड़ कम से कम कितने साल का पैकेज, अगर आप 2 लाख रुपए भी लगा के चलो, चलो 10 लाख रुपए भी लगा के चलो आप पर ईयर अगर आप 10 लाख रुपए भी लगा के चलते हो, तो कितने साल का पैकेज अंबानी की 1 दिन की कमाई से भी, मतलब उसकी 1 दिन की भी नहीं, 1 दिन में भी वो 1 करोड़ से ज्यादा कमा लेता है, और हमारा 10 साल का पैकेज। समझ आ रही है बात, क्लियर हो रही है? अब हमारे लिए जो 1000 या 10 हजार रुपए की वैल्यू है, 1 करोड़ पे चलते रेडी वाले से पूछो, तो क्या मनी सबके लिए एक बराबर है? क्या मनी की मार्जिनल यूटिलिटी सबके लिए एक बराबर है? नहीं। तो ये तो सबसे बड़ी अजम्पशन इससे ली है कि मान के चलो मेरे लिए 100 रुपये और आपके लिए 100 रुपये एक बराबर, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट रियल। ऑल द अजम्पशंस आर हाइपोथेटिकल, राइट। तो इसका ये कहना चाहिए एमयू ऑफ मनी इज चेंजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कभी सेम नहीं रहती। इवन मैं आपके लिए भी बात करूं तो आपके लिए आज 100 रुपए की कीमत कुछ और है, आज से 5 साल बाद 100 रुपए की कीमत कुछ और होगी। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज हाइपोथेटिकल अजम्पशन।
फाइनल असम्पशन हाइपोथेटिकल है। हाँ नाउ द लास्ट पॉइंट इज हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी या मान। ये क्या कह रहा है? हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्या हर एक यूनिट की इंडिपेंडेंटली मार्जिनल यूटिलिटी मेजर कर, और हम हर एक यूनिट की इंडिपेंडेंटली मेजर करते हैं। मैंने फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, मुझे 10 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली। मैंने सेकंड स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया तो मेरी सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी सेटिस्फाई हो चुकी थी, तो अब मुझे 6 यूनिट की यूटिलिटी मिली। तो मैं इंडिपेंडेंटली तो मेजर कर रही हूँ, फर्स्ट स्लाइस की अलग, सेकंड स्लाइस की अलग, राइट? तो मैं क्या कर रही हूँ? यूटिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिट्स कैन बी ठीक है। तो दीज आर द असम्पशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अभी जब मैं लॉग डीएनयू की असम्पशन पढ़ूंगी तो वो असम्पशन इस असम्पशन के साथ एक साथ बनेगी। तो पहली assumption कि the consumer should be rational, second assumption कि utility can be measured in numbers, third assumption money is the measuring rod of utility, ठीक है, fourth assumption that money marginal utility of money is constant, and last assumption that independent utilities can be measured। चल सकते हैं? पक्का अच्छे से समझ आया? मैं स्टडी मटेरियल से भी रीडिंग लूंगी, और मैं जैसे आप कह रहे हो ना अनमोल के आगे स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, मैं देखो जैसे रीडिंग करूंगी क्यों नहीं समझ आएगा, एक 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 वर्ड समझ आएगा, ठीक है, और उसी से ही पढ़ना है, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं ना पड़ेगा। और हम तो करते ही है पहले समझते हैं चीजों को, फिर उसे स्टडी मटीरियल से बहुत कुछ करते हैं, ठीक है जी। Now, let's come to our next concept is utility is of two types, total utility, marginal utility. Total utility, marginal utility. Total utility is the sum of all the utilities derived from consumption of all the units. कमोडिटी तो एक कमोडिटी की जब मैं सारी यूनिट्स कंज्यूम कर लेती हूँ, जैसे आइसक्रीम है, मैं 10 लेके आई घर पे खाने के लिए, तो मैंने एक खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, पांचवी खाई, छह खाई, जितनी भी खाई मैंने, तो उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड टी। ऑब्वियसली बात है हर एक यूनिट की यूटिलिटी सेपरेट कैलकुलेट हो सकती है, हमने भी असम्पशन ली है ना, फर्स्ट की ज्यादा आएगी, सेकंड की कम आएगी, थर्ड की कम आएगी, सबकी अलग अलग आएगी, उनका सब कर देंगे, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? इट इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट of consumption of a commodity, right? Additional utility derived from additional unit of consumption of a commodity. एक commodity की एक extra unit consume करने से जो extra utility मुझे मिल रही है उसको मैं कहूँगी marginal utility। निकालने का तरीका M U of N equal to T U of N minus
ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा मार्जिन निकालो सेकेंड यूनिट, तो आपका एन क्या है यहाँ पे टू, तो एन माइनस वन क्या हो गया टू माइनस वन इक्वल टू वन, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट, मतलब प्रीवियस यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट। यहाँ पे क्या है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन टर्म माइनस उसकी प्रीवियस टर्म, तो अगर मैं यहाँ फोर बोलूंगी तो फोर माइनस थ्री, फोर्थ यूनिट की यूटिलिटी माइनस थर्ड यूनिट की यूटिलिटी, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, यूनिट्स टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, यूनिट टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने एक यूनिट कंज्यूम किया, मैंने एक यूनिट कंज्यूम किया उससे मुझे 20 यूटिलिटी यूटिलिटी मिली, और 20 ही मेरी मार्जिनल है, 20 ही मेरी टोटल है, राइट। फर्स्ट यूनिट में 20 ही मेरी मार्जिनल है और 20 ही मेरी टोटल है। सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, क्योंकि मैं सेटिस्फाई हो चुकी हूँ एक यूनिट का आगे कुछ, तो सेकंड यूनिट कंज्यूम करने से सपोज मुझे 15 यूनिट की यूटिलिटी मिली। ठीक है, थर्ड यूनिट कंज्यूम करने से मुझे 10 यूनिट की यूटिलिटी मिली, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने से भी मुझे 10 यूनिट की ही यूटिलिटी मिली। व्हाई? बिकॉज़ मुझे आई एम मैक्सिमम सेटिस्फाइड, आई एम मैक्सिमम सेटिस्फाइड, राइट। क्लियर? फिफ्थ यूनिट से मुझे जीरो यूटिलिटी मिली, जीरो, एंड सिक्स्थ यूनिट से मुझे मिली नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, देन जीरो, देन नेगेटिव, ये बीच में 10 हटा देते हैं। ठीक है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं इससे, नहीं ले लेते बस 5 ही। ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी इज व्हाट, फर्स्ट सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज 20, सेकंड सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू यूनिट दैट इज 35, थर्ड सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थ्री यूनिट दैट इज 45, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर यूनिट दैट इज अगेन 45, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5 यूनिट्स दैट इज 40। तो टोटल यूटिलिटी कैसी थी, बढ़ रही थी, मैक्सिमम हुई, देन 4। ठीक है, अब देखो, अब मुझे मान लो टोटल की मैंने मार्जिनल निकालनी है, तो देखो सेकंड माइनस फर्स्ट, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट 15, थर्ड माइनस सेकंड 10, फोर्थ माइनस थर्ड 0, फिफ्थ माइनस फोर माइनस। ठीक है, मैंने एमयू से टीम भी निकालना दिखा दिया और टीम से एमयू भी निकालना दिखा दिया, यानी क्वेश्चन ये अगर टीम टी और एमयू निकाल लूंगी इस फॉर्मूले से, टी यू एन माइनस टी एन माइनस वन, और अगर क्वेश्चन में मुझे एमयू की वैल्यू मैं टी यू निकाल लूंगी एमयू के टोटल से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, जवाब देना थोड़ा। हाँ जी, अब मेरा क्वेश्चन है यूनिट्स गिवन है और आपको गिवन है टी, यूनिट्स गिवन है और आपको गिवन है टी। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन है कहा मैंने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो मेरे को यूटिलिटी मिली, फर्स्ट यूनिट में मुझे यूटिलिटी मिली 20 यूटिल्स की, सेकंड में मुझे यूटिलिटी मिली 35 की, फोर्थ में मेरे को मिली 10। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एमयू ऑफ थर्ड यूनिट, फाइंड एमयू ऑफ थर्ड यूनिट, बताओ क्या आंसर आएगा, कैसे निकालेंगे आंसर क्या है एमयू ऑफ थर्ड यूनिट का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट यूनिट का एमयू 20 है, सेकंड का 15 है, थर्ड का क्या है, फर्स्ट कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं आप कह दो। छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा कर दो, दो यूनिट का ले लेते हैं। ठीक है,
बीए क्वेश्चन तो यही रहेगा। देखो फर्स्ट यूनिट से आपको मिली 20 और थर्ड यूनिट से आपको मिली 40, ठीक है। फाइंड एनी ऑफ सेकेंड पीरियड, ऐसे करो। फाइंड एनी ऑफ सेकेंड पीरियड, ऑप्शन था 20, 30, 40, 10। ऑप्शंस आर 20, 30, 40, 10। बोलो 20, सब लोग 20 कहीं जाना पसंद करोगे? 20 को लॉक कर दे। देखो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट। एक एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप जो मुझे 20 बता रहे हो, तो दो यूनिट की है, एक की थोड़ी है, एक की थोड़ी है। आप जो मुझे 40 माइनस 20 20 बता रहे हो, वो 20 एक यूनिट की यूटिलिटी नहीं है, वो दो यूनिट की यूटिलिटी है। और मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एक यूनिट की यूटिलिटी। तो आंसर क्या होना चाहिए? 10। मार्जिनल यूटिलिटी 10। अब लग जाएगा आपका ऐसे वाला फॉर्मूला, चेंज इन टीयू 20, चेंज इन क्वांटिटी 10, ऐसा फॉर्मूला पड़ा था। एमयू इज व्हाट, चेंज इन टीयू। अगर मेरे को तो सीक्वेंस में सारे देता तो मैं ये कह सकती टीयू ऑफ करंट टर्म माइनस टीयू ऑफ प्रीवियस टर्म है, तो तब भी वो चेंज इन टीयू ही ना। वो बात है कि सीक्वेंस में चेंज इन यूनिट हमेशा 1 चला आ रहा है। अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगाओ डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा यूनिट्स, तो आप क्या लगाओगे? ये तो 20 ही रहेगा, यहाँ क्या लगाओगे? 35 माइनस 20, 15 डिवाइड बाय 1 15। यहाँ क्या लगाओगे? 10 डिवाइड बाय 1 10। यहाँ क्या लगाओगे? 0 डिवाइड बाय 1 0। यहाँ क्या लगाओगे? -5 डिवाइड बाय 1 -5। क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस में था क्वेश्चन, तो इसका डिनोमिनेटर 1 1 ही था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लिया तो चेंज इन टीयू ही ना हमने, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कोई यूनिट स्किप करके आएगा, तो फिर नीचे क्वांटिटी का इफेक्ट आएगा, चेंज इन क्वांटिटी आएगी। समझ आ रही बात? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज 10, हियर द करेक्ट ऑप्शन इज 10। क्लियर एकदम? अब मत करना ऐसी गलती पेपर में। तो सीक्वेंस में होगा तो फिर तो आपसे चेंज इन टीयू बोल दो, फिर चलेगा, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी 1 ही होगा। बट जब क्वेश्चन स्किप करके होगा फिर ऐसे लगा देना, मतलब चेंज इन क्वांटिटी को भी कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी के डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक एक हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी। तो आप दो दो यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी थोड़ी बोल सकते हो, तो एक से मिलने। क्लियर? अगर यहाँ पे 3 का गैप होता तो 3 से डिवाइड कर देते। अगर मैं यही कह दूं कि ये मान लो 60 है और ये 3 यूनिट्स है, तो क्या बन जाएगा? 60 माइनस 20 40, 3 माइनस 1 टोटल मैंने 4 माइनस 1 3 पॉइंट्स में आएगा, 13 पॉइंट। नहीं होगा, ठीक है। 13.33, समझ आ रही है बात? तो जितना गैप होगा नीचे चेंज इन यूनिट्स 4 माइनस 1, ऊपर चेंज इन यूटिलिटी 60 माइनस 20 40 डिवाइड बाय 3 13.33 विल बी द आंसर। तो जब भी गैप होगा, यूनिट्स कौन सीक्वेंस में नहीं होंगे, तो आप ऐसे करना, यानी क्वांटिटी में चेंज को भी कंसीडर करोगे। और अगर यूनिट्स में कोई गैप नहीं होगा, सीक्वेंस में है, तो खाली आप चेंज इन टीयू भी बोल दोगे, तो फिर एमयू भी हो। क्लियर एकदम? कोई डाउट? चल सकते हैं आगे नेक्स्ट।
बनाते हैं डायग्राम, मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम, पी वैल्यू का डायग्राम, ठीक है जी। अब ये है मेरा डीयू, और ये है मेरा एनडी, ठीक है जी। सेम पॉइंट से शुरू हुए थे, देखो फर्स्ट यूनिट में टोटल यूटिलिटी भी 10 और 20, मार्जिनल यूटिलिटी भी 20। वाई एक्सिस पे हम टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, यूनिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट पे मेरी टोटल यूटिलिटी भी 20 और मार्जिनल भी 20। जीरो से कोई डायग्राम नहीं शुरू होता, क्योंकि मैंने जब यूनिट कंज्यूम ही नहीं किया तो कैसी एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन और कैसी टोटल और कैसी मार्जिनल, समझ रहे हो बात को। मैंने खरीदा ही नहीं, जब मैंने खरीदा ही नहीं तो कैसी सेटिस्फेक्शन, तो जीरो से नहीं शुरू होएगा, सेम से शुरू हुआ। पीयू बढ़ रहा है 20 से 35, 35 से 45, फिर वो मैक्सिमम हो गया, और जहां पर मैक्सिमम हुआ वहां पे एमयू जीरो हो गया, और उसके बाद पीयू गिरा और एमयू नेगेटिव, राइट। तो अगर हम इसका रिलेशन पढ़ें, पीयू और एमयू का रिलेशन, फर्स्ट पीयू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, पीयू बढ़ तो रहा है पर बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा, धीरे 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 बढ़ रहा है, और धीरे 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 बढ़ने की वजह एमयू का गिरना, धीरे धीरे बढ़ने की वजह एमयू का गिरना। एमयू गिर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, इसलिए टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ राइट। तो डीयू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज, बट पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, पर यहां तक तो पॉजिटिव है ना, जब तक डीयू बढ़ा जब तक एमयू गिरा, बट पॉजिटिव, राइट और रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट, जब पीयू मैक्सिमम एमयू जीरो। थर्ड पॉइंट, जब पीयू फॉल्स एमयू नेगेटिव, पीयू कभी भी जीरो नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा, पीयू कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा, समझ आ रही है बात। तो जब पीयू बढ़ रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, एमयू गिर रहा है बट पॉजिटिव, जब पीयू मैक्सिमम एमयू जीरो, जब पीयू फॉल्स एमयू नेगेटिव, राइट। पीयू कांट बी जीरो कांट बी नेगेटिव, नोट कर लो, क्लियर एकदम, ओके। चल सकते हैं आगे, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं, ये हमारा लॉग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही है, ये पूरा लॉग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही है। लॉग क्या बोलते हैं एक बार उसे लिख लेते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज में सही सी, ठीक है, फिर उसकी जरूरत। देखो जो हमारा टेबल बना है वो यही बनता है लॉग में और डायग्राम में, तो जब हम लॉग डीएमयू पढ़ते हैं तो सेम टेबल सेम डायग्राम दोबारा बनाते हैं, तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, हमने समझ ही लिया। अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मीनिंग लिखे एज मोर एंड मोर यूनिट आर कंज्यूम। लॉ क्या बोलता है, लॉ सेज, अल्बर्ट मार्शल सेज, एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। ये लोग क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते जाओगे,
हर एक सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी गिरती जाएगी, ठीक है, यही लो है। बट ये लो कंपनी का जब इसकी ये assumptions फुलफिल होंगी। There are certain assumptions of this law, और हर एक लॉ की कुछ assumptions होती हैं, ठीक है। First assumption is continuous consumption, that is there should be no time gap, there should be no time gap। देखो सीधी सी बात है, आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, आप दोपहर में लंच कर रहे हो, तो ये थोड़ी ना है कि आपका सुबह का ब्रेकफास्ट अभी तक चल रहा है और आपको भूख नहीं लग रही, आप बोल रहे नहीं मुझे खाना नहीं खाना, जबरदस्ती दे दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। टाइम गैप आने के बाद यूटिलिटी गिरेगी नहीं, बढ़ जाएगी। तो यूटिलिटी कब गिरेगी, जब ये एजम्पशन होगी। देखो ईच बॉन्ड इज सेटिएबल, ईच वॉन्ट इज सेटिएबल, हर एक वॉन्ट सेटिस्फाई की जा सकती है। अगर इस टाइम आपको भूख लग रही है तो आपकी भूख को बिल्कुल शांत किया जा सकता है, आपको मैक्सिमम सेटिस्फाई किया जा सकता है, आपको फुल्ली सेटिस्फाई किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको कंटिन्यूस कंजम्पशन करना होगा, है ना। उसके लिए आपको कंटिन्यूस, आपने कहा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मम्मी ने एक रोटी दी, हाँ थोड़ी शांति मिली, दूसरी दी और शांति मिली, तीसरी दी, अब पेट भर गया, भर गया, एक और खा ले, बोलती है ना बेटा एक और खा ले, बेटा एक और खा ले, कोई बात नहीं खा ले, बहुत काम करना है पूरे दिन में, है ना। तो क्या है, आपने उनके कहने पे एक और खा भी ली, तो अब मैं आपसे पूछूं कि आपको जो है, अब आपने खाना खा लिया, अब मैं आपसे पूछूं आपको रोटी चाहिए, आप क्या बोलोगे, नहीं, यानी कि आपकी वॉन्ट सेटिस्फाई हो गई ना, नहीं क्यों बोल रहे हो, मीन्स यू आर वॉन्ट सेटिस्फाइड, यू आर सेटिस्फाइड, बट कब, या आपने कंटिन्यूअस कंजम्पशन किया, मान लो आपको भूख लग रही थी आपने एक रोटी खाई बस चले गए, फिर आ रही हो घूम के, तो फिर थोड़ी ना यूटिलिटी गिरेगी नेक्स्ट रोटी की, तो बढ़ जाएगी ना, राइट, क्लियर। तो देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन, देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ यूटिलिटी। सेकेंड असम्पशन, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब रीजनेबल साइज, साइज शुड बी रीजनेबल, कंजम्पशन जो कर रहे हो आप, जिस यूनिट में कर रहे हो वो यूनिट रीजनेबल होना चाहिए। अब आपको दूध का गिलास पीना आप चम्मच से पियोगे, पानी पीना आप चम्मच से पियोगे, तो आपकी प्यास बुझेगी, मतलब नेक्स्ट चम्मच से जो का पानी पियोगे तो यूटिलिटी गिरेगी थोड़ी ना, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है ना, समझ आ रही है आप। गिलास से पियोगे तो नेक्स्ट पानी के गिलास की यूटिलिटी गिरेगी फर्स्ट के मुकाबले, चम्मच से पियोगे तो गिरेगी नहीं वो बढ़ेगी। एग्जाम्पल ग्लास ऑफ वाटर, लोटा स्पून ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, लोटा स्पून ऑफ वाटर, क्लियर। नेक्स्ट है होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल, एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, शेप में, साइज में, टेस्ट में, सब चीज में एक जैसा। अब रोटी है, पहली रोटी मम्मी लाई थोड़ी सी जल गई, तो क्या बोलोगे, मैं नहीं खाऊंगा, या खाओगे तो थोड़ी सी तोड़ के खा लो, जल गई साइड रखो। अब दूसरी रोटी की यूटिलिटी बढ़ेगी कि गिरेगी, बढ़ेगी, पहले तो खाई कहाँ ढंग से, तो वो दोनों चपाती जो है वो आइडेंटिकल नहीं थी, चपाती है डजंट इट इज द होमोजीनियस यूनिट, बिल्कुल एक जैसी नहीं थी ना, एक जली हुई है एक अच्छी बनी हुई है। अब मैं मान लो तीन तरह के मैंगो लाऊं या एक ही मैंगो में तीन लेके आ रही हूँ, ठीक है, पहला मैंगो खराब निकला, दूसरा खट्टा निकला, तीसरा मीठा निकला, तीसरा मीठा निकला, तो क्या मीठे वाले मैंगो की यूटिलिटी पहले दो यूनिट जो मैंने कंज्यूम किया, पहले दो मैंगो जो मैंने खाए उससे ज्यादा नहीं होगी, तो इट मीन्स द यूनिट्स आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट होमोजीनियस, एक जैसे नहीं थे ना, पहला अनगढ़ा था, दूसरा खट्टा था, तीसरा मीठा है, समझ
तीसरे मीठे वाले की यूटिलिटी पहले दो से ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। क्यों? बिकॉज ऑल द यूनिट्स आर नॉट आइडेंटिकल, आर नॉट होमोजीनियस। तो किसी चीज का आइडेंटिकल होना, होमोजीनियस होना मतलब बिल्कुल सेम शेप में, सेम साइज में, सेम टेस्ट में सेम, ठीक है। तो होमोजीनियस मीन्स व्हाट? दैट इज आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड टेस्ट में सेम। क्लियर? शेप, साइज, टेस्ट, कलर, सब कुछ। कलर भी मान लो, रोटी का कलर क्या था? अलग था, पहले थोड़ी काली थी, जलती थी, ठीक है। नेक्स्ट इज नो चेंज इन टेस्ट एंड फैक्टर, नो चेंज इन टेस्ट एंड फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज नो चेंज इन टेस्ट एंड फैक्टर, व्हाट डज इट मीन? आपकी मम्मी ने कहा आज मैंने तो सब्जी आपको नहीं पसंद को बना, जो कि आपको नहीं पसंद सॉरी बेटा वो बनाया। आपने बोला मैंने नहीं खाना, मैंने क्या बोला बेटा कुत्ता रहने वक्त रख लिया, आज क्या हो गया? क्या घर से बाहर चला जाए तो कोई चीज का ऑप्शन नहीं है, पता है छोड़ नहीं बनाने वाली, अगर उसका तो है ना। तो आपने कहा खा ही लेते हैं यार, खाना भी खा लेंगे, कैसे कुत्ता पेट करके बैठे रहेंगे, फिर खा ही लेते। तो आपने खाया, पहली बार खाई, कैसे मन को वो करके अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करके, किसी तरह कड़े से मुझे सिर पे पत्थर रख के खा लिए, तो चिड़ौती है हर कॉमेडियस डेवलप हो जाता है उस चीज। मैं भी किसी टाइम थोड़ी नहीं खाती थी, आज मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो टेस्ट टाइम टाइम डेवलप होता रहता है कि नहीं, खाओ अच्छी लगने लग गए, आप इसने बहुत अच्छी बना दी, अच्छा भी है ना, अच्छा होता है कई बार। तो क्या हुआ, इस चीज का टेस्ट डेवलप हो गया। मैंने जब पहली टाइम खाई थी तो मैंने दिल पे पत्थर रख के खाई, तो इसका मतलब उसकी यूटिलिटी, एंटीसिपेटेड यूटिलिटी क्या थी? कम थी ना, या मुझे खानी नहीं है, खा लेती हूँ मम्मी बोल रही है जबरदस्ती, तो उसकी एंटीसिपेटेड यूटिलिटी कम थी। पर जैसे ही वो टेस्ट आपका डेवलप हो गया, अब आपको अच्छी लग रही है वो सब्जी, तो अब आप दूसरी बाइट भी खा रहे हो, अब दूसरी बाइट की यूटिलिटी ज्यादा है, कम नहीं है, ये पहली की एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन कम थी। अच्छा पहली बाइट खा ली, दूसरे की एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, तो लो यहाँ भी मिल गया। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आपका टेस्ट चेंज नहीं हुआ, आपका टेस्ट वैसा का वैसा है। पहली बाइट भी नहीं अच्छी लग रही थी, दूसरी भी दिल पे पत्थर रख के खा रहे हो, तीसरी भी दिल पे पत्थर रख के खा रहे हो, पूरी दो रोटी दिल पे पत्थर रख के खा रहे हो। तो यूटिलिटी बोथ ऑन डिमिनिशिंग, यानी कि पहले के मुकाबले दूसरे से कम यूटिलिटी मिलेगी, दूसरे से तीसरे से कम मिलेगी, और जब चापल बाइट यानी रोटी खा लेंगे तो पेट भर गया, अब और नहीं खानी। समझ आ रही है बात? तो यूटिलिटी कब गिरेगी? जब आप लगातार खाओगे, जब आप स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करोगे, जब आपकी वो जो यूटिलिटी है वो यूनिट्स है वो आइडेंटिकल होंगे, एकदम एक जैसे होंगे, और जब आपका कोई टेस्ट चेंज नहीं हुआ होगा, देन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ बनेगा, यानी देन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, देन ओनली आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, जब ये अजम्पशन होल्ड ट्रू, अदरवाइज नहीं। क्लियर है एकदम? एकदम क्लियर? कोई डाउट है पूछ लो, आज हम यही तक करते हैं। क्लियर है एकदम? ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।